अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। सैयद रूमा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि रिया किस तारा यासिन का व्लॉग आज क्यों नहीं आया, इसके पीछे कौन सा रीजन है। इसके पीछे जो हेटर्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से तारा यासिन ने आज स्किप कर दिया, व्लॉग नहीं सेंड किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस गुजारा चल रहा है, गुजारा चल रही है। शायद ऐसा ही कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, अल्लाह ताला सब अच्छा करे, आसानियां पैदा करे सबके लिए। तो तारा यासिन ने आज व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया, हेटर्स का कहना है कि कौशल जो है वो घर पे मौजूद नहीं है, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सवाल उठा रहे थे, बहुत ज्यादा ये चीजें जो है वो सामने आ रही थी। बेबी कहीं चला गया है और कौशल भी कहीं चली गई है। आज सारिद की वीडियो में भी एक छोटा सा क्लिप जो है कौशल का ऐड किया गया स्टार्ट में, इसके बाद नहीं आया और पूरा व्लॉग में कौशल जो थी वो नहीं नजर आई। तो बस यही थोड़ा सा रीजन है, मैं आगे चल के आपको क्लियर बताती हूँ कि क्या चीजें चल रही हैं, इसकी वजह से तारा यासीन ने आज अपना व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया। जाहिर सी बात है, इंसान इतने सारे लोगों को फेस नहीं कर सकता, जब कोई बार बार इतना डीप देखता है और इतनी चीजों के बारे में सवाल उठाने शुरू कर देता है कि हर व्लॉग में कौशल नजर आ रही थी। ईद पे भी स्पेशली हर मौके पे उसको सामने लाया जा रहा था, तो अब 2 दिन से कौशल सामने क्यों नहीं आई? बाय स्लीपिंग टाइम बाय। अच्छा जी, किसी का अभी कमेंट पढ़ रही थी मैं, बाय नहीं हो रही। ओके जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जो जो सारा यासिन के सपोर्टर्स हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं रीजन, अगर आप इंटरेस्टेड हो। मैंने खास तौर पर लाइव इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि प्रॉपर एक वीडियो बनाकर अपलोड करने में टाइम लगता है, जो लोग वेटिंग पे हैं, जो लोग परेशान हैं सारा के लिए, उनको मैं गाइड करना चाह रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग रिएक्शन वाले हैं, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ पर नजर रखते हैं, और मैं तो सारा यासिन की वैसे भी बिग सपोर्टर हूँ। तो फिर जो भी फेक न्यूज़ होती है, मैं उनको बहुत अच्छे से डिटेल से देखती हूँ कि किसी में क्या चल रहा है, किसी में क्या चल रहा है। तो अभी मैं 2-4 वीडियो के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेकनेस, बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जा रहा है इस चीज़ को लेके, कौशल वाले कॉन्टेंट को लेके और बेबी वाले कॉन्टेंट को लेके, किस तारा यासीन ने इनको कंटेंट बनाया और अब वो लोग कहीं गायब हो गए हैं। बेबी को लेकर कौशल कहीं चली गई है, कुछ ना कुछ सीन चल रहा है, जिसकी वजह से तारा यासीन ने व्लॉगिंग जो है आज नहीं की और लोगों को कम्युनिटी लगाकर ये कह दिया है कि आज वो लोग नहीं आएगा, परेशान ना होना। लेकिन परेशान लोग तो होंगे जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उनके लोग का वेट करते हैं, जाहिर सी बात है उनको तो टेंशन होगी ना। और उसके पीछे रीजन यही चल रहा है, कौशल की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पहले कौशल हर व्लॉग में आ रही थी, बार बार उसको ऊपर कैमरा होता था, कौशल ये कर रही है, कौशल बेबी को ये करवा रही है, कौशल यहाँ जा रही है, कौशल यहाँ बैठ रही है। तो अब ऐसा क्या हुआ, ईद सेकेंड डे, ईद थर्ड डे और उसके बाद आज फोर्थ डे तक कौशल कहीं भी नजर नहीं आई। तो जब हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो फिर देखने वालों को उस चीज की आदत हो जाती है, क्योंकि वो उसके घर में रह रही है और व्लॉगिंग जो है वो अपने घर से ही स्टार्ट करती हैं, हर बंदे के बारे में बताती हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बाहर की आउटिंग हो, चाहे फ्रेंड्स से मिलना वलाना हो, तो टोटली हर चीज़ के बारे में डिटेल से अपने व्यूअर्स को दिखाती हैं। तो फिर जब कौशल को एकदम से स्किप कर दिया उन्होंने, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भी परेशानी हुई। तो लोगों ने यहाँ पर सवाल उठा लिया, खास करके जो क्रिएटर्स हैं, जो हर वक्त एक्सपोज करने के बारे में सोचते हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि कौशल तो अब ना गायब हो गई है, कौशल कहीं चली गई है, इनका हो गया आपस में झगड़ा दोनों का, तो बस अब कौशल व्लॉग में नहीं आएंगी, तो इस वजह से तारा यासिन जो है व्लॉगिंग नहीं कर रही। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, हो सकता है उसका भी अभी रिसेंटली जो है सी सेक्शन हुआ है, कोई इंसान थोड़ा अपसेट होता है बेबी की तबीयत को लेके, बेबी की तबीयत थोड़ी सी आज अपसेट है। एक क्लिप तो हमने देखा अभी अभी जो कि साजिद की वीडियो में था, कि उन्होंने इतना बताया कि कल बेबी को डॉक्टर के लेके जाना है, और थोड़ी सी कौशल की भी वीडियो शूट करके लगा दिया। थिएटर्स का कहना है, अभी एक रहमानी साहब है हमारी,
उन्होंने अपना खाना बनाते वक्त ये बात कही है कि जी ये क्लिप तो पुराना भी हो सकता है, हो सकता है ये पहले का क्लिप शूट किया हो जो आज लोगों को दिखाने के लिए साजा साहब ने अपनी वीडियो में लगा दिया। तो आप लोग इतना डीप चले जाते हो ना किसी को जज करने में, हैरत होती है। ठीक है, हर घर में सो प्राइवेसी होती है, बहुत तो सारी चीजें होती हैं जिनको हाइड भी रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो वो आप लोगों को हर चीज ही खोल कर दिखा देगा। ठीक है, बच्चे भी दिखा देना, खाना बनाना भी दिखा देना, बाहर की आउटिंग भी दिखा देना, कोई वो जिन या वो कोई परी नहीं है कि वो हर चीज आप लोगों के सामने रख देंगी। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ देख लोगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पर्सन के घर से चली गई है। अगर फर्ज करो कि वो पर्सन उसका बहुत बड़ा कॉन्टेंट है, अगर वो घर से जाती भी है तो वो उसको भी कंटेंट बना के लोगों के सामने लेके आ सकती हैं। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि वो इस बात को छुपाएंगी, आप लोगों को नहीं बताएंगी कि सर अब घर में नहीं। आप लोग बात पकड़ कर ना उसको इतना घुमा देते हो ना कि अगर किसी के दिल में कुछ नहीं भी चल रहा तो वो सोचेगा भी हाँ भाई कुछ तो हुआ है भाई, सर भाग गई। आप लोग मतलब वैसे भी जो लोग जिस चीज़ के इंतजार में होते हैं ना वो वही सोचते हैं। बार दफा इंसान जो देखता है ना, जो बार बार सोचता है सोचते सोचते उसे वही नजर आने लग जाता है। अब हर बंदे के माइंड में ना जो कौसर का उसका तारा यासिन का ब्लॉग देखता है, जब से कौसर उसके घर में आई है बेबी हुआ है, उनको यही लग रहा है कि भाई ये दोनों सोचने हैं इनकी आपस में नहीं बनेंगी, कहीं ना कहीं इनका झगड़ा होगा और ये कौसर जो अपना बेबी लेके भाग जाएगी। तो क्या सीन हुआ कि दो दिन से अगर उसकी थोड़ी बहुत झलक नजर नहीं आई तारा यासिन के ब्लॉग में तो लोग उस बात पर पक्के हो गए कि देखो जी झगड़ा हो गया और कौसर चली गई। मतलब हम जो चीज देखना चाहते हैं ना हमें वही नजर आती है। और एक बंदी जो थी वो हेटर्स ही हैं उनकी, एक्सपोज ही करते रहती हैं सारा दिन उनको। वो आज ये बोल रही थी कि जी सारा यासीन तो वही दिखाती हैं जो कि वो दिखाना चाहती हैं, वो चीज वो कभी नहीं दिखाती जो कि हम देखना चाहते हैं। मतलब उसका कहने का क्या था कि हर बंदा ही जो भी चैनल्स पे है, जो भी रिएक्शन देता है या व्लॉगिंग करता है, जो भी सोशल मीडिया पे है, ठीक है, तो वो वही दिखाएगा ना जो वो दिखाना चाहता है। ऐसा कभी होता कि आप लोग अपने घर की हर प्राइवेट चीज लाके लोगों के सामने रख दो? जो ये बात कर रही थी मैं उसी से बात करती हूँ कि तुम भी तो बहन वही दिखाती हो जो तुम लोगों को दिखाना चाहती हो, और वही बात करती हो जो तुम बताना चाहती हो। कभी ऐसा हुआ है कि लोग हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आप सारा यासिन के लिए कुछ अच्छा बोल देंगी और आप बोले? ऐसा कभी भी नहीं होता आपकी वीडियोज में। ये मैं मिस अब्दुल्ला रहमानी व्लॉग्स वाली को बोल रही हूँ, आप उसके व्लॉग जाके देख भी लेना, उसकी जो रिएक्शन वीडियो है उनको देख भी लेना, कहीं कोई ऐसा रिएक्शन है जो उसने सारा यासिन के फेवर में लिया हो? हर रिएक्शन पे हर चीज पे उसका ये एक ही रोना पिटना होता है जी, खुलकर प्रूफ सामने आ गया, सच सामने आ गया, ये लो प्रूफ, अब क्या बोलोगी तुम? यहीं से वो स्टार्ट लेती है, अंदर वीडियो में चाहे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो बहन हर कोई अपने घर की प्राइवेसी को हाइड रख के वीडियो को एडिट करके जो चीज़ें उन्होंने स्किप करनी हो करके तो फिर ही वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये कोई सारा यासिन नोखा काम नहीं कर रही कि तुम उसके ऊपर इतनी बातें करती हो, क्योंकि वो तो वही दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। तो और वो पब्लिक को क्या दिखाए? कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो क्या वो उनको भी सामने कर दे? जब तक पर्सन नहीं सामने आती थी वो उसको नहीं लेके आई, लेकिन आप लोगों की फेयरनेस का, आप लोगों की बातों का उसने फुल बहादुरी से अपना सामना किया, बहुत रुलाया आपने, बहुत उस बेचारी को तंग किया, बहुत ज्यादा उसको ना टेंशनें दी इस बात को लेके कि ये फेक है शादी, कौसर है ही नहीं। जब तो आप लोग कहते थे कौसर है ही नहीं, ठीक है, अब दो दिन में वीडियो में नहीं आई तो अब आप लोग ये अब फिर आप लोग कह रहे हो तो वो है ही नहीं, वो भाग गई है। ठीक है, और जब तो आप कहते थे कि कौसर का कोई वजूद ही नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्टेंट बनाने के लिए ना अपने हस्बैंड की शादी करवा दिया उसने, तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसका नाम यूज कर रही है, ऐसे किसी को पकड़ के बैठा देती है, ला देती है, तो उसका हाथ पांव दिखा के लोगों को कहती है कि लो जी ये पोस्टर है। लेकिन आप लोगों की बातों से तंग आकर उस बंदी ने आकर कार पोस्टर का फेस रिवील कर दिया, उसको आपके सामने ला कर बैठा दिया कि लो जी देख लो। आप लोग फिर भी नहीं माने, आप लोगों ने फिर भी उसको इतनी बातें सुनाई और अब यहाँ तक कि अब उसका बेबी हो गया, एक बेबी भी हुआ, दुनिया से चला गया बेचारा, अब दूसरा बेबी भी आ गया, अब तो हद हो गई, अब तो आप लोग बस कर जाओ, अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए ना। लेकिन अभी भी कहीं वैसे अब लोग बहुत सारे हैं जिनको पता चल चुका है कि कौसर है, उसकी शादी भी हुई है उसके हस्बैंड की, उसका जो कंटेंट था वो फेक नहीं था, ठीक है, उसने डॉलर कमाने के लिए सब ड्रामा नहीं किया था,
लेकिन अभी भी किसी कोने में कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अभी भी इस चीज को ना लेके पकड़ कर बैठे हुए हैं कि नहीं जी, ये शादी तो अभी भी फेक है, ये कौशल जो है ना, ये सारिक की वाइफ है ही नहीं, मतलब हद है। ठीक है, और आज अगर उस बंदी ने रेस्ट ले ही लिया है, बंदा थक भी जाता है ना। देखो ईद की तैयारियों में वो इतनी बिजी थी, आप लोग खुद ही देखो, आप अपने घर के काम करती हैं, हाउस वाइफ जो भी है, मैं उनको बताता हूँ कि अपने घर के काम करती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, ठीक है थोड़ी बहुत अगर बाहर से शॉपिंग कर लेती हैं, तो आप लोग कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, आज तो हमसे खाना नहीं बनेगा या आज तो हमसे ये नहीं होगा, होता है ना ये सब आपके साथ। तो वो भी एक रोबोट नहीं है, सारा यासीन भी एक रोबोट नहीं है, वो भी एक मशीन नहीं है, इंसान है। उसने कितनी सारी तैयारियां की हैं, लोगों को इतने लोगों को अपने नजर में रखा, ईदियां भेजी, आप लोगों को भी हर एक चीज दिखाई, बेबी के लिए पहले वो भाग दौड़ करती रही, कितनी ज्यादा उसने स्ट्रगल की, जब बेबी इन टाइम ईद के 4 दिन पहले वो आने वाला था, हॉस्पिटलों के चक्कर, घर के चक्कर, सब चीजें देखना, बच्चों को देखना। तो अगर उस बंदी ने आज एक दिन रेस्ट ले लिया है, तो आप लोग उसके पीछे पड़ गए यार, कैसे सपोर्टर हो तुम लोग, और हेटर्स भी हो, तो तुम्हारे माइंड कैसे हैं कि अगर उस बंदी की, क्या वो एक दिन रेस्ट नहीं ले सकती, अगर उसने एक दिन वीडियो ही नहीं डाली, तो उसके पीछे ये सवाल उठ गए हैं जी, पोस्टर चली गई है, उसका बेबी चला गया है, इसलिए सारा यासिन सोग मनाने बैठेगी, मतलब अब सारा सोग मनाएगी कौशल के जाने का। उसे तो फिर भाग भाग कर वीडियो बनानी चाहिए थी, सामने आना चाहिए था कैमरे के, कि देखो जी एक नया कंटेंट मिल गया, अब तो ज्यादा भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर बंदे की अंकल इतना काम करती हो तो बंदा ये चीज सोचता है, लेकिन जिन लोगों ने की अकल पर पर्दा पड़ गया हो ना बातें बनाने का, या दूसरों को बस हमेशा हमेशा के लिए गंदा करने का, तो वो हर चीज को यही सामने लेके आते हैं। कौशल जाए कौशल रहे, सारे यासिम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे यासिम का चैनल है व्लॉगिंग का, वो करेंगी, वो आप लोगों के सामने आएंगी, आपको सब कुछ दिखाएंगी, कौशल चली भी गई जब भी बताएंगी, आ भी गई जब भी बताएंगी, बैठी हुई जब भी बताएंगी, चल फिर गई जब भी दिखाएंगी, क्योंकि तो आप लोग तो हर चीज देखना चाहते हो, आप लोगों को तो हर चीज चाहिए, मिर्च मसाला लगाकर रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट ली है, बताया कि रिलैक्स होता है ना, फिर वो अच्छी व्लॉगिंग करता है, आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेके आएगी, अच्छी व्लॉगिंग करेगी। अभी ईद के बाद थोड़ा सा वो रिलैक्स होने के लिए गई है, तो आप लोग परेशान ना हो, कौसर भी वही है, उसका बेबी भी वही है, आपने देखा अगर साजिद ने अपनी वीडियो में दिखाया उसको, और उसके बाद वो अपने घर भी गया, देखो अगर वो वहां ना होती तो सारी बात है, जो उसने नया घर लिया, जिसको उन्होंने डेकोरेट भी किया, अच्छे से सेटल भी किया कौसर ने, ठीक है, तो वो वहां पे तो होती ना, लेकिन वहां पे उसने आपको सारा घर दिखाया, वो जैसे का तैसा पड़ा, वो सब्जियों को देखने गया, वो सब्जियों को उन्होंने देखा है कि किस तरह से है, क्या तीन चल रही है। तो इसमें आप लोग बेवकूफ ना बना करो लोगों की बातों में आके। ठीक है, तो बस मुझे आप लोगों को आज यही अपडेट देनी थी, तो बाकी आप लोग भी अपना राय का इजहार कर सकते हो, हर बंदा को अपने माइंड के मुताबिक बात करने का पूरा हक है, ये जरूरी नहीं है कि एक चीज जो एक बंदा सोच रहा है वो दूसरी चीज दूसरा बंदा भी वही सोचे। ठीक है, तो आज की अपडेट मेरी यहीं तक थी, अगर आप लोग सारा यासिन के सपोर्टर हो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, तो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया, टेंशन नहीं लेनी, सारा यासिन का कल इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा, मैंने जितनी भी अभी वीडियोस देखी हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है, उसमें कहीं भी नहीं है अभी कौशल की वजह से वो नहीं आई या कौशल कहीं चली गई है, ये जो भी लोग सवाल कर रहे हैं ना, वो सब उसके हेटर्स हैं जो कि हर टाइम उसको एक्सपोज करने में लगे रहते हैं। तो बाकी जिन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप लोग कमेंट करके अपना नाम भी मेंशन कर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूँ, और लाइक भी कर दिया करें, और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से, सारा यासिन से रिलेटेड तो मैं बात कर रही हूँ, क्या वो आप उससे एग्री हो, या आप लोगों का कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को लेकर, तो सारा यासिन का लोग आज क्यों नहीं आया, क्या उसकी वजह कौसर है, कौसर चली गई है, उसका बेबी वहां पर मौजूद नहीं है, क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो, उन स्टूपिड लोगों की तरह जो के चंद भी उसके लिए बैठ जाते हैं झूठी बातें करने।
और तो और मतलब ये कह रहे थे कि कौशल हटा मुंह पाए रखती है, वो सड़ी रहती है। आज भी कमेंट रीड कर रही थी उसकी साजिद की वीडियो के नीचे, कौशल मुंह पाए रखती है, वो सड़ी रहती है, वो सारा यासमीन से खुश नहीं होती, कहाँ भी मुंह पाए रखती है। मैंने तो जहां भी उसकी वीडियोस देखी है ना, जहां भी उसकी वीडियोस देखी है, वो हंस रही होती है, हंस के बात कर रही होती है सारा यासीन के साथ, उसके बच्चों से इतने अच्छे तरीके से बिहेव कर रही होती है। तो ये लोग बस वैसे ही हैं जिन्होंने ये चीजें बस नोट करनी होती हैं कि भाई इनको कोई ना कोई कॉन्टेंट मिले। ऐसा नहीं है, कौशल अब हैप्पी रहती है, वो कहीं भी सड़ी नहीं होती। इंसान की अपनी थोड़ी तबीयत भी अपसेट होती है जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा यासीन से डिस्टर्ब है या हैप्पी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसने हमें ज्वाइन किया है, शाइस्ता, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शाइस्ता आप कहाँ से हैं? क्या आप अभी लाइव में हैं या जा चुकी हैं? और ये भी बता दीजिएगा प्लीज कि आप किस तरह यासिन की सपोर्टर हैं। आपने इस तरह की मोहब्बत में चैनल बनाया है, प्लीज दूसरे कुछ लोगों की तरह उनको धोखा मत दीजिएगा। जी बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कराची से हूँ। ओके जी, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। जी हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो ऐसा करते हैं ना कि सपोर्टर्स बनकर आते हैं और फिर हेटर्स बन जाते हैं, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सारा यासिन को स्टार्ट से ही देख रही हूँ, मतलब मेरा जब चैनल भी नहीं था और मुझे कुछ चैनल का आइडिया भी नहीं था, मैं जब से उनकी फैन हूँ, तो उसके बाद चैनल भी मैंने उनके सपोर्ट में ही बनाया था। पिछले बहुत जब उनके लोग बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, उन दिनों की बात है जब मैंने उनके लिए चैनल जो है अपना क्रिएट किया था। तो ऐसा नहीं होता, जो लोग जिस चीज का डिजर्व करते हैं ना उनको वही मिलना चाहिए, सारा डिजर्व करती हैं, सबकी अप्रिसिएशन को, सबकी मोहब्बत को। वो इतनी काबिल हैं कि उनके लिए स्टैंड लिया जाए, उनके लिए बात की जाए, उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाए। और ये जितने भी फजूल किस्म के लोग हैं ना जिनको मतलब बात करने की तमीज नहीं है, यही उनके हेटर्स हैं। कोई भी जो अच्छी नाइस पर्सनैलिटी जो है ना, वो सब उनके सपोर्टर ही हैं, क्योंकि जिन चीजों से वो गुजरी है ना, उन्होंने उतना उतना स्ट्रगल किया जितना उन्होंने सहा है, तो वही सारी चीजें जो फेम उनको मिला है वो इस चीज के हकदार है, ठीक है? इतना सब और इतना सब कुछ कोई ही कर सकता है, और अल्लाह ताला ने अगर उनको इतना नवाजा है तो अल्लाह ताला ने देखा है कि वो बंदी इस चीज की हकदार है। तो बस जो जलने वाले लोग हैं ना, ये जलते ही रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलना सिवाय जलने के। हमें क्या उनकी मेहनत नजर नहीं आती? हमें भी सब नजर आ रहा होता है, वो ब्लॉगिंग करती हैं या कुछ भी, वो रील्स बनाती हैं, या उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया था तारा का आसमान को लेके, उसमें तो कौशल का कोई कंटेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसे एक बंदी ने चार चार लोगों के रोल किए थे, ठीक है? तारा ने अपने व्लॉग में बताया था, मैं उनसे कराची में मीटअप पर मिली थी, वो बहुत प्यारी है और बहुत सबर वाली है। जी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मैंने उनका कराची वाला मीटअप देखा था। हाँ शायद वो कुछ पर्सनल गेस्ट थे जिनसे वो मिली थी, मैं दोबारा से देखूंगी कि आपसे वो मतलब आपसे मीटअप हुआ है, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एज, आप मुझे बेटा बोल रही हैं और मैं शायद गलती कर रही हूँ आपका नाम लेकर। चलें अगर मैं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी अगेन, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे आपको आंटी या आपी या बहन या क्या बुलाना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आपके नाम से ही बुलाया। तो
तो मैं बात ये कर रही थी कि लोग कहते हैं कि लो जी पोस्टर की वजह से फेम मिला, पोस्टर की वजह से वो ऊपर गई हैं, पोस्टर ना होती तो सारा आज इतनी फेमस ना होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एक तो कंटेंट होता है जो लोगों के दिलों को छू जाता है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि लोगों के दिलों को ये बात छू गई थी जब उन्होंने कहा था माई हस्बैंड सेकेंड लव मैरिज, वो एक लाइन थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनसे जुड़ गए थे, लेकिन उसके पीछे भी तो उसका सबर ही था ना। वो जब आई थी लोगों से ये शेयर करने, उसको थोड़ी ना पता था कि लोग इसकी इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे या उसके साथ इतना सारा जुड़ जाएंगे। शायस्ता, माशाल्लाह वो जैसी भी लोग में नजर आती है वैसी ही है, वो कोई बनावट नहीं है, बनावटी नहीं है, बिल्कुल राइट, ऐसा ही है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की है, सब लोगों की बातों को सुना है, हर किसी की चीजों को इग्नोर करके वो सामने आई है, तो अल्लाह ताला ने उसको इतना रिस्क दे दिया। तो तुम लोग क्यों चलते हो भाई 3D एंड गेमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। तो आप देखे ना, मतलब एक उन्होंने नया अपना चैनल क्रिएट किया था, उसमें वो हमें साफ उसकी जो स्किल्स है ना वो नजर आती हैं। सितारा के आसमान में उन्होंने किस तरह एक बहन का भी रोल किया, उसमें वो बड़ी बहन भी बनी, छोटी निम्मी भी बनी, फिर वो माँ भी बनी, फिर मतलब उन्होंने अपनी एक स्टोरी क्रिएट की थी, उसमें उन्होंने कितनी अच्छी जो है एडिटिंग की, हर चीज एक ड्रामा रोल जो था हमें मिला और लोगों ने इतना ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों से जाके सवाल करें, उनसे पूछें जो कि ये कहते हैं पोस्टर कंटेंट से वो आगे आई है, तो क्या उसके अंदर अपने अंदर कोई वो स्किल नहीं है? ऐसा नहीं है, वो बहुत मेहनत करती हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो इन लोगों को बोलने दे जो बोलते हैं, वो खुद किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी से मतलब किसी से अच्छी बात भी नहीं कर सकते, वो उसके कंटेंट को लेके बैठे हुए हैं तो उस पर बातें बनाई जा रहे हैं। तो तुम लोग उसके नाम पर डॉलर्स कमा ही रहे हो तो उसको बुरा तो मत बोलो, तो गलत बात है ना। एक तुम्हारा टॉपिक भी वही है और फिर तुम उसको गालियां निकालते हो, क्या क्या फजूल बोलते हो, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना ऐसे लोगों पर। इन लोगों को मत देखा करें प्लीज। अभी भी मैंने एक वीडियो देखी थी ना जिसके ऊपर वो हर वक्त यही वो बोली जा रही होती है, अब्दुल्ला रहमानी है शायद, ठीक है कि ये देखें सच सामने आ गया, ये देखें प्रूफ, ये देखो अब क्या कहोगी तुम, अब तुम झुठला के दिखाओ। और यकीन करें स्टार्ट वो यहीं से लेती है, तकरीबन उस बंदी को 2 साल हो गए हैं सारा यासीन के ऊपर, और अंदर वीडियो के उसके कोई भी प्रूफ नहीं होता, कोई भी बात नहीं होती, कोई एक कमेंट, कोई एक वीडियो क्लिप, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लोग जो खुद इतने फेक हैं, आप लोग उनकी बातों में आकर सारा यासीन को इतनी नाइस पर्सनैलिटी को गलत बोलते हैं, शेम होनी है। ओके जी, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। ये किसका किसके बारे में बात कर रही हैं? मैं भी सारा यासिन की सपोर्टर हूँ, उसके बारे में बात कर रही हूँ, शायद आप लोग उसको नहीं जानते। ठीक है, तो मैं उसकी वजह से ही लाइव आई थी अभी। एंड थैंक यू आप ज्वाइनिंग अस। रेडी एंड का गेमिंग, ये कोई शायद गेमिंग चैनल ने हमें ज्वाइन किया है, चैलेंज ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू। वो लोग शायद इस चीज़ में इंटरेस्टिंग नहीं है, सारा यासीन की ब्लॉगिंग शायद उन्होंने कभी नहीं देखी, तो उनके लिए तो फिर माई लाइफ जो है ना बोरिंग हो गई। और शास्त्रा जी, आप चली गई हैं या आप हैं? अगर आप हैं तो एक हेलो का मैसेज करें और प्लीज बताइएगा आप उनसे कहाँ मिली थी, मतलब मीटअप पे तो मिली थी, इसके अलावा भी आप किस तरह यासिन से कोई पर्सनल मीटअप हुआ है? कॉल ओनली 3D जी, ये 3D गेम्स वगैरह जो है ना, ये मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत शौक से खेलता है, उन्हें मैं आपका चैनल जरूर बता दूंगी, वो आपकी गेमिंग जो है वो ज्वाइन कर लेगा। 3D गेम में इंडियन बाय 3D ऐसे बहुत सारी गेमिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, वो उनका लवर है, अभी वो सो रहा है, मैं दिखा भी देती हूँ अभी आपको।
ये है 3D गेम लाइव, 3D गेमिंग लवर ये सो रहा है अभी, ये सुबह उठेगा तो ये आपका जो चैनल है ना वो देख लेगा। एंड थैंक यू लाइक मी। और शास्त्रा भी अगर आप हैं लाइव में तो आप भी बताएं कि आपको ऐसा लगता है कि सारा यासीन जो आज स्किप लिया है वो आज नहीं आई, उनका व्लॉग नहीं आया, तो क्या उसके पीछे रीजन कौसर है? लोग ये बोल रहे हैं कि कौसर नहीं है वहाँ पे, उसका बेबी नहीं है, वो कहीं चले गए हैं दोनों, 2 दिन से वो हमें दिखाई नहीं दी, तो इसी वजह से लोग क्वेश्चन कर रहे थे सारा यासीन को कि आपने हमें व्लॉग में कौसर को क्यों नहीं दिखाया जबकि आप डेली उसे दिखा रही थी, अब क्यों नहीं दिखाया? तो इस वजह से वो व्लॉग में नहीं, आज उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया, लोगों के सवालों का जवाब नहीं था उनके पास, क्या ऐसा सीन है? लेकिन ऐसा सीन नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं है, उन्होंने थोड़ी सी रेस्ट ली है, डेली की वो जो बिजी रूटीन अभी उनकी पिछले दिनों चल रही थी, सी सेक्शन की जो प्रोसर को लेके। नहीं बेटा, मीटअप पे मिली थी मैं, मेरा कोई चैनल नहीं है वहाँ से, शास्ता नाम की और भी लेडी थी बट मैं एक नॉर्मल व्यू वीवर हूँ उसकी। ओके जी, थैंक यू जी। तो ये होती है ना मोहब्बत, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का चैनल हो और आपने प्रमोशन के लिए जाओ, ठीक है, अपना शॉर्ट आउट लेने के लिए मिलो, तो लोग उनके लवर है ना वो उनसे बेलोस मोहब्बत करते हैं, उनको पता नहीं दुनिया कहाँ कहाँ से देख रही है। तो ये पाकिस्तान में कुछ चंद लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि जो अपनी कंट्री की वो एक औरत है, ठीक है, और उसको बजाय सपोर्ट करने के तो उनके ऊपर ऐसी गंदी गंदी बातें बोलकर दूसरी कंट्री में उनकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत बात है। सोचना चाहिए कि वो हमारी कंट्री की, हमारे पाकिस्तान से हैं और बाहर के ममालिक उसको देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान की एक औरत को इतना बाहर के मुल्क में अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को ऐसी बातें बना के वो बाहर के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे अपने जो हमारे अपनी कंट्रीज के लोग हैं वही हमारे हेटर हैं, वही हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि बाहर के लोग भी हमारे ऊपर उठकर बात करें। अगर फर्ज करो लोग उनकी बातों में आते भी हैं, हेटर्स की बातों में, तो अगर वो लोग हमारे ऊपर रिएक्शन दे बात करें और कंट्रीज के, तो इसमें हमारे पाकिस्तान का हमारे मुल्क का ही नाम खराब होगा ना, तो ये लोग ये चीज नहीं सोचते। ओके जी, एक और बच्ची आई है, मैंने उन्हें भी देख लिया प्रेजेंट, थैंक यू। लोगों को सिर्फ बातें बनाना आता है, आज उनके हस्बैंड की वीडियो में कौशल बिल्कुल ठीक है और इस ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भी इसी टॉपिक पे बात करने के लिए अभी आई हूँ, मैं अभी अब्दुल्ला रहमानी की एक वीडियो देख रही थी, इसके अलावा मैंने एक तो मतलब उनका तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, अब्दुल्ला रहमानी का तो नाम मैं फिर भी ले लेती हूँ, चले वो कुछ शर्म लिहाज रख के कुछ बात को घुमा फिरा के करती हैं तो फिर भी उनकी कुछ बात सुनने वाली होती है, बेशक वो सारा यासीन के खिलाफ रिएक्शन देती हैं लेकिन वो थोड़ी सी फिर भी पढ़ी लिखी कहीं से नजर आती हैं, बात को फिर भी ठीक तरीके से कर जाती हैं। लेकिन एक और लेडीज है वो तो अल्लाह माफ करे, वो क्या क्या बकती है ना, मैं बोल भी नहीं सकती। अल्लाह कामयाब करे आपके बेटे को आपका लिए, माशाल्लाह जी, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी दुआ दी, थैंक यू जी। तो वो कह रही थी कि जी प्रूफ सामने आ गया, देखो प्रूफ, पोस्टर के ऊपर उसने पिक लगा रखी थी और साथ लिखा हुआ था बेबी भी चला गया, मतलब अंदर उसकी वीडियो में यही स्टार्ट था कि अब तुम लोगों को क्या जवाब दोगी, अब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं इतनी हैरान हो गई, मैं भी एक दफा थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई कि हालांकि मैं लोगों की बातों में आती नहीं हूँ ना, मैं लोगों की बातों पर यकीन करती हूँ, मुझे पता है कि इनकी तो डेली की यही रूटीन है, सुबह से शाम तक 2 से 4 वीडियो अपलोड कर देनी और उसमें सारा यासीन के खिलाफ ही झूठे झूठे जो है ना सबूत लेके आ जाना, और इनका कोई काम नहीं है। बीच में इनका खाना पकड़ा होता है, खाना पकता हुआ दिखाती रहेगी, चम्मच चलाती रहेगी और पता नहीं क्या 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 नॉन स्टॉप ही बोलती रहेगी, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोल गई हूँ। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना उसकी ये वीडियो देख के, तो देखो भाई वो बंदी डेली इतनी हंसती मुस्कुराती आप लोगों के सामने आ रही है, कौशल को भी उसने दिखाया, ईद पे इतना अच्छा उनका व्लॉग आया, और ये लोग कैसे ऐसी बातें कर सकते हैं कि भाई वो तो है ही नहीं, वो तो चली गई है। मैं 3 दिन से ईद की वीडियो रील्स बनाकर इंसान थक थक जाता है, रेस्ट जरूरी था उनका, बिल्कुल
बिल्कुल आपने मेरे वाली बात की है। सेटर्स को तो फिर हेट ही होता है, उनको इग्नोर किया करें, उनको सितारा के अलावा कोई और नजर नहीं आता, उसके घर में खुशी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके घर में खुशी रहती है। मतलब उनको अपनी टेंशन हो गई ना कि उसको उनको ये नहीं ना मिला, उनका कंटेंट नहीं मिला या ना उनकी वीडियो आती, उनको उनमें से कोई और दो चार नई बातें बनाने को मिलती। डेली क्या उनका काम ही यही है, तो आज वो नहीं आए तो आज उनको अपनी टेंशन होगी, सारा यासमीन की टेंशन नहीं रही। बाकी इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, तो मैं इसीलिए लाइव आई हूँ। मैं वीडियो भी प्रॉपर बनाकर ना, मतलब जितनी भी झूठी अफवाहें फैल रही होती है ना, मैं सबको देख के उनके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना के जरूर अपलोड कर देती हूँ कि चले कुछ लोग भी देखेंगे। अगर उस लोग उन वीडियो को कोई 200 400 1000 लोग भी देखते हैं ना, तो वो इस चीज़ को शेयर करके दूसरे लोगों को तो गाइड कर देते हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं तो मुंह बंद होगा ना। तो मेरा यही मतलब होता है वीडियोस बनाने का, और अगर वीडियो बनाने का टाइम ना हो तो मैं लाइव आकर उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब तो जरूर दे ही देती हूँ। ठीक है, तो आज तक पार करती हूँ। लोग रमजान शरीफ में आवाज नहीं आए, चलो तुम करते हो जो भी झूठी बातें करते हो, रमजान में ये लोग नहीं हटे तो ये अब कहाँ हटेंगे। कॉन्टेंट नहीं मिला होगा आज के दिन का, तो फिर नींद कैसे आएगी उनको। बिल्कुल सही कहा आस्था जी आपने, वेरी नाइस डियर, थैंक यू खान, किरम खान। तो बस ऐसे ही कहा जा सकता है इन लोगों के लिए, कितना भी बोलो ना तो वो कहते हैं दीवार में सर फोड़ने वाला साहब है, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई भी फायदा नहीं है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बस यही कह सकते हैं हम। कभी इतनी साफ सुथरी, इतनी वो कहते हैं ना एक मॉडल रोल है वो हमारे लिए, उस बंदी के ऊपर तुम सारा दिन बैठ के झूठे बहुतान मानती हो, कम अज कम अल्लाह तला का तो खौफ करो। चंद व्यूज के लिए तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह तला तो देख ही रहा है ना। किसी के ऊपर कहते ना, किसी के ऊपर एक बहुतान लगाना उसके तुम इतने सालों के कहते हैं नेकियां उसकी नमाजें जाया करने के बराबर होता है। किसी के ऊपर एक छोटा सा भी बहुतान लगाना बिना देखे बिना सोचे समझे, और इन लोगों ने तो बहुतान लगाने की हद ही कर दी है। सुबह से रात तक बहुतान ही लगा रही होती है उसके ऊपर, और वो इतनी मासूम इतनी प्यारी इतनी साफ दिल की बंदी है ना। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि देखें जब हमारे घर में एक दूसरी औरत आके बैठ जाए, हमारे हस्बैंड शादी करके ले आए, तो दिल पे क्या बीतती है। कितनी स्ट्रांग लेडी है, उसने इस चीज को कितना मुश्किल से एक्सेप्ट किया होगा, हर चीज को वो बड़ी स्मूथली लेकर चल रही है, अपने घर को भी अपने बच्चों को भी कैरी किया हुआ है। इस दौर में अगर कोई इतना स्टैंड लेता है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। प्लीज थोड़ा सा बेबीज को भी दिखा दें, ये मेरी सपोर्टर हैं जिन्हें मेरे बेबीज जो हैं वो बहुत ज्यादा पसंद हैं, और इन्होंने आज शायद सब लेट ज्वाइन किया। और फिर जी मैं आपको बेबीज दिखा देती हूँ, बेबीज के ऊपर कैमरा इसलिए नहीं कर रही कि वो ना सो रहे हैं तीनों, ठीक है। अगर वो उठ गए ना तो फिर वो मेरी बात ज्यादा वो डिस्टर्ब कर देंगे। चले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये गंजा टकला भी सोया हुआ है, डेली मेरी बेबी जरूर देखती है, ठीक है। और यहाँ पे ये है जी बड़ा बेबी सोया हुआ है, और यहाँ पे ये देखें जी ये। ओके जी देख लिया आपने बेबी, फ्लैश ऑफ करके बाजी बेबीज नहीं दिखते, फ्लैश ऑफ कर दूंगी तो रूम में ना टोटली अंधेरा है, लाइट ऑफ है ना, इसलिए फ्लैश ऑन करके ही बेबीज को मैं आपको दिखा सकती हूँ। ओके जी देख लिया आपने बेबीज, ओके बेटा बाय सबको इंशाल्लाह। अगर आपकी लाइव करेंगी तो मैं ज्वाइन करूँगी इंशाल्लाह जी, मैं उस पर भी लाइव करूँगी स्ट्रीम यार्ड पे, वहाँ पे मैं अपना लिंक पिन कर दूंगी। कल शायद आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करके वॉइस टू वॉइस भी मेरे से बात कर सकती हैं शास्ता जी। थैंक यू, आपने मुझे अपने इतने अच्छे अच्छे वो राय दी, बातें की, चलिए बहुत बहुत थैंक यू अपने कीमती टाइम निकालने के लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी उसके सपोर्टर हो, ठीक है, उसको हमेशा से सपोर्ट करते रहना। और रेडी गेमिंग, ओके बाय, दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए भी दुआ करेंगे। ओके जी थैंक यू शायस्ता जी, आपको बेबीज कैसे लगे, ये शायस्ता जी से क्वेश्चन कर रही है मेरी सपोर्टर हैं कि आपको बेबीज कैसे लगे। इन्होंने शायस्ता जी ने ना इरम का फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो इन्हें नहीं पता मेरे बेबीज का।
और बेबीज तो सबको अच्छे ही लगते हैं ना। थैंक यू जी। और बस अब मैं भी लगी हूँ सोने, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। हिरम बेटा माशाल्लाह बेबीज तो मुझे अच्छे लगते हैं जी। हिरम उन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया है। बहुत प्यारे हैं, अल्लाह पाक हर बुरी नजर से बचाए, आमीन। ओके अल्लाह हाफिज। हिरम ने अल्लाह हाफिज बोल दिया, मुझे बोला है या शास्त्र आप को बोला है? नो बाय जी, शास्त्र आप ही बाय, दुआ में जरूर याद रखिएगा। आप बात कर सकती हैं जी, बिल्कुल कर रही हूँ मैं बात। बस अब मैं भी ज्वाइन जिन लोगों ने किया उन लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारी लाइव जो थोड़ी लंबी हो गई है। ऐसा आप ही को बाय बोल दिया हिरम ने। देखो शास्ता भी मुझे इनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगी, शायद वो हमारी लाइफ से जा चुकी हैं। हिरम मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये देखें इतनी नाइस पर्सनैलिटी है, मतलब उनका कोई चैनल नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन वो उन्होंने लाइव ज्वाइन की और उन्होंने मुझे अपनी राय भी दी। वो मीटअप पे कहीं मिली हैं, वो उनकी फैन है सारा यासिन की, ठीक है। तो ये लोग होते हैं सपोर्टर जो बेलोस होकर किसी को सपोर्ट करते हैं। और ये जितने भी जिन लोगों के चैनल है ना, वो हमेशा हमेशा बात पकड़ते हैं, बात को घुमाते हैं, ताकि फिर लोगों के सामने हेट फैलाया जाए, लोगों को सस्पेंस में डाला जाए और उनको व्यूज मिले। बाकी और बीच में कुछ भी नहीं होता अंदर से, ये भी सारा यासिन को लाइक ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको भी पता है कि ये उसके जैसे नहीं बन सकते, ना ही उसकी जगह ले सकते हैं। सिर्फ ये अपने चैनल चमकाने के लिए उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो नेगेटिविटी ज्यादा देखना पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी उनको नहीं चाहिए ना। तो बस ठीक है, मैं भी अब सोने लगी हूँ। जिन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दें इजाजत। और फिर इस तरह यासिन को जरूर सपोर्ट करते रहिएगा और उनके साथ इस तरह जुड़े रहिएगा। और हेटर्स की बातों में बिल्कुल नहीं आना, जो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी हैं, सिर्फ उन्होंने थोड़ा रेस्ट लिया है। तो कल इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाएंगी, अपलोड भी करेंगी और आप लोगों को दिखाएंगी भी, ठीक है। ओके आपने सोना है तो इट्स ओके, लास्ट बेबीज दिखा दें फिर बाय, लास्ट टाइम प्लीज। ओके जी, ये देखें ये गंजा टकला, आज थोड़ी सर्दी हो रही थी ना, वो फैन तो जारी सी बात है, ये देखें डेफिनेटली ऑन रखना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा जो कंबल है इसके ऊपर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये बंदा जो है ना हमारा, ये कंबल नहीं लेता, इसको बड़ी मुश्किल से हमें कंबल से कवर करना पड़ता। इसका सुबह टेस्ट भी है, इसका सुबह स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको टाइम से सिलाया। ये आपने मेरे बेबी को टकला बोला, चले आप बोल सकती हैं क्योंकि आप इनसे प्यार भी तो करती हैं ना। और ये देखें ये जो है ना, ये कभी भी सीधा नहीं सोता, इसकी डायरेक्शन कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, ठीक है। हमने आपको लास्ट टाइम अपने बेबीज दिखा दी है, मैं दोबारा इनके ऊपर फ्लैश नहीं ऑन करूंगी, क्योंकि फिर ये मुझे सोने नहीं देंगे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।